हम इसे हल करते हैं। हमें पहले इसकी बेसिक मालूमात करनी है, मालूमात हासिल करनी है बेसिक के लिए। वकू क्या है, एस क्या है। एस को कहते हैं सिंपल स्पेस या सैंपल स्पेस, यानी कि नमूने वजन। और वकुआ क्या है, इवेंट ए बी सी। अभी ए बी सी क्या है जब हम आगे चलेंगे देखो। अभी जो सबसे पहले नंबर आता है, अगर सवाल ऐसा हो कि मैंने एक सिक्का उछाला, इसका क्या है, हाँ, अब जब कांटा या छापा की बात आई तो एक कांटा क्या है, छापा क्या है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बराबर। कांटा और छापा, यह हमारी जबान में रच बस गया है, कांटा छापा, कांटा छापा। दरअसल लोग कांटा छापा नहीं, इंग्लिश में उसे कहते हैं हेड और टेल। अब ये हेड यानी क्या, हमारी उर्दू में हेड यानी क्या कहते हैं, चित। जहां पर भी चित का जिक्र है उसे समझ लेना है एच, और जहां भी पट का जिक्र है उसे समझ लेने का है टी। एच यानी कि क्या, चित, और टी यानी कि क्या, पट। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। बस आप लोगों ने तमाम चीजें सीख ली, अब आप बहुत आसानी से ये पूरा सबक हल कर सकते, हर इसके हर मश्क हल कर सकते। अब सवाल ये होता है कैसे है? सवाल में एक लफ्ज ऐसा है, जैसे देखिए, एक सिक्का उछालने पर, क्या सवाल है? सवाल में ये जुमला रहेगा, एक सिक्का उछालने पर। जरूरी नहीं कि एक सिक्का, दो भी हो सकता, तीन, हम दो और तीन पे बात करेंगे, पहले एक। जैसे ही आप ये पढ़ो, एक सिक्का उछालने पर, जैसे ही पढ़ो फौरन हम क्या बना लेंगे, अपना नमूना वसत या सैंपल स्पेस, या अपने आम जबान में क्या कहते हैं, शायर, शायर। या तो छापा होगा या तो काटा। इसका नंबर ऑफ एस नमूने वसत कितना हो गया, समझ में आया? अच्छा, अगर सवाल में ये ना आए, और अगर ऐसा है, दो सिक्के उछालने, दो सिक्के उछाल, मैं दो सिक्के उछालता हूं, बराबर, एक सिक्का सीधे हाथ पे, एक सिक्का उल्टे हाथ पे, मैंने ये उछाला, ये पहला, ये दूसरा, बताओ इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें आया छापा, इसमें आया काटा, मतलब इसमें आया चित, छापा यानी कि ये शेर का निशान वाला, और इसमें आया काटा, मतलब बैक साइड वाला। ये चित यानी कि हेड एच, और टी यानी कि काटा यानी कि टेल। जरूरी क्या है, छापा और काटा ही आता, दोनों में छापा छापा आ सकता था, दोनों में काटा काटा आ सकता था, आगे वाले में छापा पीछे वाले में काटा, या आगे वाले में काटा पीछे वाले में कुछ भी आ सकता था। तो हम उसी चीज को इसमें लिख देंगे, देखो एस, या तो दोनों में छापा छापा था, आगे वाले में भी छापा पीछे वाले में भी छापा, या दोनों में काटा आता, आगे वाले में भी काटा पीछे वाले में, या आगे वाले में छापा पीछे वाले में काटा, या आगे वाले में काटा पीछे वाले में छापा। बस इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। आप लोग कुछ आ सकता है क्या, बोलो, नहीं आ सकता। छापा और काटा के अलावा, क्योंकि दो सिक्के उछाले, इसमें कोई भी आ सकता है आगे पीछे, और जितने आ सकते थे हमने सब लिख दिया। अब इसका नंबर ऑफ है, एक दो तीन चार, कितने हैं, चार। हमारे पास दूसरा रूल भी तैयार, अब हम तीसरा रूल, तीन सिक्के उछालने पर, क्या ऐसा, ये जो लिखा हुआ आएगा ये किसमें आएगा, सवाल में, किसमें आएगा, सवाल में, किसमें आएगा, सवाल। तो अपने जैसे ही हमको ये दिखे हम क्या करेंगे, शायद, मतलब नमूने वज़न, मतलब एस, हम एस लिख देंगे। अब मसला है तीन सिक्के, अभी मैंने दो सिक्के उछाला था, अब मैं तीन सिक्के उछालता हूँ, एक आगे रहेगा, एक बीच में रहेगा, एक लास्ट में रहेगा, राइट। अब मैंने ये तीनों उछाला, अब कोई बताएगा कि आगे वाले में क्या आएगा,
छापा भी आ सकता है, कांटा भी आ सकता, बीच में क्या आएगा? और लास्ट में? अच्छा, मैंने तीन सिक्के एक ही बार उछाला ना, तीन सिक्के उछाला, तो आगे वाले में आया है कांटा, बीच वाले में आया है छापा, और आखिरी वाले में भी आया है छापा। मतलब के इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, या तो तीनों में छापा छापा आएगा, या तो तीनों में काटा काटा आएगा। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, देखो इसको बनाने का तरीका। तीन सिक्के ना, तीनों में क्या आएगा, या तो हम मान लेते हैं छापा छापा। अब हम काटा नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट एच हटा के टी को दाखिल करेंगे, एच एच टी, फिर एच टी, अब टी बढ़ता जाएगा, एच टी टी, फिर टी टी टी, हो गया। अब पहले यहाँ पे तीन थे, टी दाखिल हुआ था, यहाँ पर तीन है, क्या दाखिल होगा? वेरी गुड, टी टी एच, फिर टी एच एच, फिर टी एच एच, तो आ गया। अब ये तो हो गया एक लाइन से, अब या तो दोनों तरफ आगे आजू बाजू एच, बीच में टी, या तो दोनों तरफ टी, बीच में एच, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। अब इसको नंबर ऑफ एच लगा दो, कितना हो गया? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अच्छा, सवाल में जरूरी नहीं कि तीन सिक्के उछाले, ऐसा भी सवाल हो सकता है कि एक सिक्का तीन मर्तबा उछालने पर, तो हम क्या करेंगे, यही लिखेंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक सिक्का उछाला, लेकिन वो आगे नहीं पढ़ते, तीन मर्तबा उछाला ना, तो यही आएगा। और अगर तीन सिक्के एक बार उछालेगा तो ये आएगा। इतना समझ में आया? यहां पर सिक्के खत्म, एक दो तीन, तीन रूल है, कितने रूल है? तीन। अब चौथा उसे कहते हैं डाइस, क्या होता है उसे? डाइस, यहां पे हम देखेंगे डाइस। डाइस यानी कि क्या? पांसा। क्या है वो? पांसा। क्या है? पांसा। उर्दू में पांसा कहते हैं, और अपनी आम जबान में उसके बहुत सारे नाम, कोई इसे लूडो की घोड़ी कहता है, कोई इसे लूडो की गोटी कहता है, कोई इसे लूडो की गुड़गुड़ी कहता है, और हम उर्दू में क्या कहते हैं उर्दू वाले? पांसा, पांसा। इसे कहते हैं पांसा। ये आप तमाम लोग खेलते होंगे घर में, बराबर। अच्छा, कौन सा नंबर आएगा तो बाहर निकलते घर से? छह आएगा तो बाहर। अच्छा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? सबसे बड़ा, मतलब एक पासे में कहां से कहां तक अदद होते हैं? एक से छह। तो हम सवाल में अगर ऐसा आया, एक पासा देखने पर, क्या आया? एक पास है, तो हम ऐसे सब बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात, छह तक ही आएगा, सात नहीं आएगा, इसमें सात नहीं आता, नहीं आता सर। ठीक है, तो हम छह तक, समझ में आया? मतलब एक से छह तक ही नंबर होते हैं इसमें, इसका नंबर ऑफ है कितना हो गया? नमूना औसत कितना हो गया? ये हो गया एक मास। जैसे ही आप सवाल में ये पढ़ो, फौरन ये बना लो, एक मास मिलेगा इंशाल्लाह। ओके, अब आगे चलते हैं। एक क्या पूरा मास मिलेगा, क्योंकि हमारा आगे का सवाल गलत होगा ही जब हम मास हल करेंगे। पांच अभी हमने एक पासा हमने देखे, अब कितने पासे हैं? दो। अगर मैं दो पासे फेंकूं तो क्या आएगा भाई? इसमें आया ब्लू वाले में चार, रेड वाले में आया एक, बराबर चार और एक, कुछ भी आ सकता है। अब मैं फेंकू, दोनों में तीन तीन आया, और फिर फेंकू, एक में पांच एक में चार आया, कुछ भी आ सकता है, इट में भी पॉसिबल। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे दो पासे का जिक्र आए तो हम क्या करेंगे? देखो, जैसे सवाल में आया दो पासा फेंकने पर,
क्या आया सवाल? दो पासा, पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना सा पढ़ो पहले ही लिख दो, बाद में आगे का सवाल हम पढ़ेंगे कि क्या करना है, वो उस किस में आता है, वक्र इवेंट। पहले हम ये बना, सवाल कोई सा भी रहे पहले ये बना। तो चलो दो पासा फेंकने पर एस बराबर, अच्छा इसको किस तरह से हल करें, इसे हल करने के लिए हमें पहले इसे सीधे में छह ब्रैकेट बनाना है और ऊपर से लेके नीचे में छह, एक ब्रैकेट, दो, तीन, चार, पांच, छह, इसको भी बड़ा कर देते हैं, कर दो बड़ा, यहाँ पे भी कितना वो कहा था मैंने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, हो गया। अब हमें जैसे ही ये सवाल आया ना, पहले हमको ये काम करना है, पहले कुछ करना है, राइट? देखो मैं इतनी तेजी के साथ करता हूँ, आप लोग भी इतनी तेजी के साथ बनाना, आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी। साथ हो गए ना? साथ हो गए? अरे ये तो मैं गिनते ही नहीं, एक दो तीन चार पाँच छ सात, हमारी कौन जा रही है माशाल्लाह। अब एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, मतलब पहले हम ये खाका बना देंगे, अब इसमें हम नंबर भरेंगे। नंबर भरने का तरीका क्या था, देखो एक दो तीन चार पाँच छ, इधर वही एक दो तीन चार पाँच छ, इधर एक दो तीन चार पाँच छ, इधर एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, इधर एक दो तीन चार पाँच छ, छह लिख दिए। आप क्या करेंगे, एक 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 एक, फिर दो 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 दो, फिर तीन 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 तीन, फिर चार 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 चार, फिर पांच 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 पांच, फिर छह 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 छह, हो गया। ये हमने किसका कर रहे हैं, सिक्के का और पांसे का। अब एक और चीज बचती, ताश। किसका? ताश का। ये आप लोगों को समझ में आया? नंबर ऑफ डाइस। हाँ, नंबर ऑफ डाइस, जगह ही नहीं बची, इधर लिख दूं चलेगा? नंबर ऑफ एस, इसके टोटल, इसी तरह लिखना। ये उतार लिया आप लोगों ने, सबने लिख लिए, मिटा दूं? चल, क्योंकि मुझे इस जगह की जरूरत है। अब चलते हैं आगे। अब सवाल में ऐसा होता है कि एक थैली में, सॉरी कार्ड, एक ताश के पत्ते से फोटो, मतलब तस्वीर वाला, एक पत्ता निकाला गया। क्या सवाल आता है, एक ताश के पत्ते में से एक फोटो वाला पत्ता। आपको मालूम है ताश के पत्ते में कितने किस्म के पत्ते होते हैं, चार। कितने होते हैं? चार किस्म का। एक होता है ऐसा वाला, एक होता है ऐसा वाला, एक होता है ऐसा वाला, और एक होता है ऐसा वाला, बराबर। इसे कहते हैं हुकुम का इक्का। क्या कहते हैं इसे? हुकुम का इक्का। इसे कहते हैं दिल के पत्ते, इसे कहते हैं ईंट के पत्ते, और इसे कहते हैं चिड़िया के पत्ते, है ना जी? ना ऐसी शक्ल रही ना, चिड़िया, इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? दिल। इसे क्या कहेंगे? और एक मजेदार बात,
और ये होते हैं काले, ये और ये होते हैं लाल। और एक बात बताओ, इसमें भी छोटू वाले कितने होते हैं? तीन पत्ते छोटू वाले, एक होता है राजा किंग, एक होती है क्वीन रानी, एक होता है जोकर, जिसे हम अंग्रेजी से हम कहते हैं गुलाम। क्या कहते हैं? इसमें भी होता है किंग क्वीन जोकर, इसमें भी होता है किंग क्वीन जोकर, इसमें भी होता है किंग क्वीन और जोकर। अच्छा, लाल वाले कौन कौन से? ये ये और ये, और ब्लैक वाले कौन से? समझ में आया इतना? कोने वाले ब्लैक, बीच वाले लाल, इतना समझ में आया? और हर एक में फोटो वाले तीन तीन पत्ते हैं, कुल फोटो वाले कितने हो गए? बारह। तो एक ताश की पत्ती में, एक ताश की गड्ढी में कुल 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। कितने तस्वीर वाले? 12 तीन इसके। अच्छा, ये हुकुम के कुल कितने पत्ते होते हैं? ये होते हैं 13। इसके भी कितने होते हैं? 13। इसके भी कितने होते हैं? 13। इसके भी कितने होते हैं? 13। तो कुल एक ताश की गड्ढी में कुल कितने पत्ते होते हैं? वेरी गुड। एक ताश की पत्ती में, गड्ढी में कुल कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। अच्छा, आपको सवाल में क्या बोला? एक ताश के पत्ते से फोटो दसवीं वाला एक पत्ता निकालेगा। एक ताश की गड्ढी ना, तो हम एस क्या लिखेंगे? एस बराबर 1 2 3 नौ डॉट डॉट डॉट, कुल कितने हैं? 52। पहले ऐसा लिख देंगे, नंबर ऑफ एस कितने हैं? 52। अब वहां पे वकुआ बोल रहा है, मैंने कहा था ना वकुआ इवेंट, क्या बोल रहा है? एक ताश के पत्ते से फोटो का एक निकाला गया, क्या निकाला गया? फोटो वाला। तो वकुआ एक रहेगा तो उसे ए लिखेंगे। अच्छा, फोटो वाले कितने होते हैं? 12। तो हम डायरेक्ट 12 इस तस्वीर को बना नहीं सकते, होती है हमारे पास, क्या लिखेंगे? 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कितने हो गए? 12। तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए? 12। समझ में आ गया? ये मतलब ऐसा सवाल आएगा तो सबसे पहले ये लिखेंगे, और अगर उसके आगे पढ़ना कि तस्वीर वाला, या ऐसा देगा कि बिना तस्वीर वाला पत्ता निकाला गया, तो हम क्या करेंगे? 12 निकाल देंगे 52 में से, कितना बचा? 40। अगर ऐसा आया बिना तस्वीर, ये पहला था और ये दूसरा, बिना तस्वीर वाला पत्ता निकाला गया है ना। अभी दूसरे को हम क्या बता देंगे? ये पहला था, ये दूसरा बी, बिना तस्वीर वाला, मतलब 52 में से 12 निकालो, कितना बचा? 52 में से 12 क्या कितना बचा? 40। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 2 3 कहाँ तक लिखेंगे? 40। तो नंबर ऑफ एस क्या हो गया इसका? 40। कितना आ गया? 40। ये वकुआ, इसे वकुआ कहते हैं। अच्छा, उसमें सवाल में लिख के नहीं आता वकुआ, ये हमें खुद से बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। इतना समझ में आया आप लोगों? ये उतार लिया आप लोगों ने? ठीक है, नेक्स्ट। अब हम चलते हैं सवाल हल करने के लिए। किसकी जानी? सवाल। अच्छा, आप लोगों का है पेज नंबर, सफा नंबर 486 की मश्क नंबर 4.1। ये होता नहीं है क्या? मुझे इसकी जरूरत है। ये जब आप हल करेंगे उस वक्त आ जाएगा। उतार लिया आप लोग? चलो बाद में उतार लेना, क्योंकि हमारे पास है ये। ओके, मैं मिटा दूँ ये? मुझे जरा तेजी से समझाना था, इसलिए वक्त नहीं था। अब मैं आराम से आप लोगों को समझा सकता हूँ, क्योंकि बेसिक मालूमात है, बुनियादी मालूमात के बगैर आप लोग नहीं।
आप समझ जाएंगे कि क्या क्या है। मुंदर या जैन तजुबात में नमूना है वसत, नमूना वसत यानी कि क्या शायद है। नमूना अरकान की तादाद, नमूना अरकान की तादाद क्या है, नंबर ऑफ एस, ये समझ में आया। दूसरा सेट का इस्तेमाल करके पी क्यू आर वकुए, अभी मैंने वकुआ लिखा था ना, इवेंट्स, वेरी गुड। और एन नंबर ऑफ पी, नंबर ऑफ क्यू और नंबर ऑफ आर लिखिए। चल ऊपर बयान किए गए वकुओं के दरमियान से जैन के वकुए मालूम कीजिए। नंबर एक ए मुकम्मला वकु, बाहम गैर मशमूली वकु और जामे, ये हमें दिया गया है। इसके आगे देखो पहला सवाल। दूसरा इसका पहला सवाल, तीन सिक्के बयात वक्त उछाले गए, क्या बोल रहा है, हम कौन सा लिखेंगे तेजी के साथ बताओ। ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, तीन सिक्के, हमने सिर्फ तीन सिक्के पढ़े, आगे सवाल पढ़े नहीं, जैसे हमने तीन सिक्के पढ़े ना लिख देंगे। चलो एस बराबर क्या है, छापा 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 काटा छापा काटा 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 छापा, मजा नहीं करी, अच्छा काटा छापा 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 हो गया। अब देखो दोनों तरफ काटा बीच में छापा, दोनों तरफ छापा बीच में काटा, बन गया हमारा वकुआ शायद यानी कि नमूने वसन। नंबर ऑफ एस बराबर कितना आएगा, हमने ये पूरा उतार दिए। अब हम सवाल करते हैं, P एक ऐसा वकुआ है जिसमें कम से कम दो चित हासिल होते हैं,